स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज हमारे इस लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करें उन सेंटेंसेस की जो हिंदी में हों, कॉम्प्लेक्स बेस्ड हों और स्पेशली कॉम्प्लेक्स के एडवर्ब क्लोज से रिलेटेड हों। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर्स में कुछ ग्रुप्स ऑफ कंजंक्शंस की स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम इस थर्ड ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस की स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस है, यह है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। स्टूडेंट्स, इस एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में आप आज देखेंगे कि सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, वह यहाँ पढ़ता है ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके, यह आपका सेंटेंस है हिंदी में। तो हमारा उद्देश्य है अंक अच्छे प्राप्त करना, क्योंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस पर। तो ही स्टडीज हियर सो दैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स। अब यहाँ पर आप सो दैट की जगह दैट भी लगा सकते हैं और इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हैं। तो आपका ट्रांसलेशन जो ग्रीन कलर में दिया है, वो मेन वर्ब को इंडिकेट करने के लिए दिया है कि इस में क्या वर्ब आ सकती है, और जो रेड कलर में दिया है तो वो हमने कॉम्बिनेशन दिया है कि किस तरह से कंजंक्शन के साथ किया आना कंपलसरी है। आप जानते हैं कि सो दैट के साथ में या माइट लगाते हैं, यहाँ पर माइट हो जाता अगर आपका स्टडीज का पार्ट स्टडीड पास्ट में होता, तो हमने वो रेड कलर में दिया है। और सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट में यहाँ पर ऑप्शन है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज थ्री। दूसरा है आपका लेस्ट, सब जरूरी सामान खरीद लो, कहीं ऐसा ना हो कि कर्फ्यू लग जाए। परचेज एसेंशियल गुड्स, ये स्टूडेंट्स गुड्स होगा जो कि यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, यह परचेज एसेंशियल गुड्स। लेस्ट द कर्फ्यू शुड बी एनफोर्स्ड, लेस्ट, लेस्ट का यूज यहाँ पर किया गया है। लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा न हो, लेस्ट का यहाँ पर यूज है कहीं ऐसा न हो। स्टूडेंट्स, इसको जितने भी कंजंक्शंस हैं हमने सारे रेड कलर से यूज किए हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसको लेस्ट से, लेस्ट को रेड कलर में दिखाया है। और लेस्ट के साथ जब भी आप कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो ये कंपल्शन है कि आप इसे शुड में ही यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, परचेज एसेंशियल गुड्स, लेस द कर्फ्यू शुड बी एनफोर्स्ड। यहाँ पर शुड बी एनफोर्स्ड इसलिए लगाया गया है ताकि, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है, इसका आधा पार्ट। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट में ये जो सो दैट है, अभी आपने ऊपर भी सो दैट देखा और नीचे भी सो दैट देखा, तो यहाँ पर जो सो दैट आपको दे रखा है, इस सो दैट में बीच में आपको स्पेस मिलेगा, ये सो दैट एक साथ यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो सो दैट आपको दिया गया है, इस सो दैट में एक साथ आपको ये पूरा एक साथ यूज करना है, जबकि वहाँ पर आपको एक साथ यूज नहीं करना था। तो आइए देखते हैं इस सो दैट का क्या मतलब है। इस सो के बाद आपका कोई एडजेक्टिव आना जरूरी है। देखते हैं, इतना शोर था कि मैं पढ़ा नहीं सका, तो आपने देखा इट वॉज सो नॉइजी, तो नॉइजी हमने ग्रीन कलर से लिखा है एडजेक्टिव दिखाने के लिए। तो सो नॉइजी, शोर बहुत था, और परिणाम उसका क्या निकला कि दैट आई कुड नॉट टीच, कि मैं पढ़ा नहीं सका। जबकि इस सो दैट को देखते हैं ऊपर, तो आप देखेंगे कि सो दैट यहाँ पर एक साथ है और उसके बाद मे माइट का कॉम्बिनेशन जरूरी है। और यहाँ पर आपने देखा कि सो नॉइजी के बाद दैट लगाकर आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आता है सच दैट। बिल्कुल इसी तरह से सच के बाद भी आप यहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव जरूर लगाएंगे, इसके बीच में कोई ना कोई एडजेक्टिव जरूर लगाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं, वह इतना झूठा है कि उसकी बात कोई विश्वास नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर अभी जो हमने एडजेक्टिव की बात की, एडजेक्टिव आए या ना आए, यहाँ पर नाउन लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच के बाद नाउन आता है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आया, वह इतना झूठा है, तो झूठा मीन्स लायर, ही इज सच अ लायर दैट नो बडी विल बिलीव हिम। तो यहाँ पर सच आया, आ के बाद नाउन आया, उसके बाद दैट लगाकर आपने जो भी कुछ रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस था उसको यहाँ पर यूज कर लिया।
इस तरह से आपकी ट्रांसलेशन बनी कि ही इज सच अ लायर दैट नो बडी विल बिलीव हिम। सच के बाद आप ए या एन का यूज जरूर करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 में आपको दिया गया है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन के अंदर बिकॉज एज सिंस दैट दिए गए हैं। इसमें बिकॉज तो आपको यूजुअल लगेगा, एज सिंस दैट अनयूजुअल लग सकते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स एज का यूज करना जानते हैं लेकिन उसमें एक कमी है। आइए अभी डिस्कस करेंगे कि वो कमी क्या है। पहले देखते हैं कि बिकॉज का यूज कैसे हो सकता है। वह कर्महीन है इसलिए उसे सफलता नहीं मिली। तो ही डिडंट गेट सक्सेस बिकॉज ही इज एन आइडल, और यू कैन से ही इज अ शिरकर। स्टूडेंट्स अब अगर हम ये एज सिंस और दैट लगाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर ये सेंटेंस के बिगिनिंग में लगते हैं। ये मेन बात थी, एज सेंटेंस के मिड में अच्छा नहीं माना जाता। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं बिकॉज ही इज एन आइडलर, बिकॉज ही इज एन आइडल, ही इज अ शिरकर, कॉमा ही डिडंट गेट सक्सेस। ये रॉन्ग है। अगर आप बिकॉज शुरू में लगाना चाहते हैं तो फिर आप एज या सिंस का यूज करें। एज सिंस या दैट ही इज शिरकर, यहां पर आप कीजिएगा ही इज अ शिरकर, ही इज अ स्लैकर, यहां पर स्लैकर या शिरकर आपको ए लगाना जरूरी है क्योंकि ये नाउन है। ही इज अ शिरकर, ही डिडंट गेट सक्सेसफुल और ही डिडंट गेट सक्सीडेड, ये आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 6th पार्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को कहते हैं हिंदी में विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब है कि जब आप एक दिशा में कार्य करते हैं तो रिजल्ट आपका विपरीत दिशा से आता है। अगर आप अच्छे हैं तो कुछ खराब होगा, अगर आप खराब हैं तो कुछ अच्छा होगा, मतलब कुछ इस तरह से। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि यद्यपि उसने बहुत मेहनत करी परंतु सफलता नहीं मिली उसे, तो उसे हमने बाद में लिखा है और हमें इस बात के और पहले उसे से कोई मतलब नहीं है। हमें उसे ही को अपनी जगह पर इंग्लिश में लिखना होगा, हिंदी में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा although he worked very hard yet he did not get success, या he didn't get successful, या he didn't get succeeded, तीनों ही सही हैं। तो although के साथ कॉमा लगाकर आप yet लिखते हैं। जब आप although की जगह दो लगाते हैं तो आप yet लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद इसी क्रम में आप देख रहे हैं आगे however दिया गया है। हावेवर का मतलब भी विरोधाभास के सेंस में है लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी फिक्सिटी है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले वह उसे हरा नहीं सकता। तो इसमें आप हावेवर हार्ड ही में ट्राई, तो हावेवर के साथ आपको मे लगाना जरूरी है जो कि हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। ही कांट डिफीट हर, हावेवर हार्ड ही में ट्राई, कितनी भी कर ले कोशिश वह चाहे, ही कांट डिफीट हर, वह उसे नहीं हरा सकता। यहाँ पर हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, इसको डिफरेंट करने के लिए हमने यहाँ पर हर लिखा है। स्टूडेंट्स अगर आप हावेवर हार्ड ही में ना लिख करके सीधा सेंटेंस बनाते हैं बिना मे के तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। इस बात को हम कोऑर्डिनेट क्लोज में डिस्कस करेंगे। इवन इफ आने पर भी विरोधाभास आता है और देखिए इसका एग्जाम्पल कि चाहे वह कुछ भी ना करे कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा। तो इस तरह ट्रांसलेट करेंगे nobody will say anything to him even if he does nothing। तो even if का मतलब है कुछ ना करने पर भी। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंजंक्शंस हैं, हिंदी अलग अलग हैं लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए रिजल्ट्स ऑपोजिट हैं। तो ऑपोजिट रिजल्ट्स में जरूरी नहीं है कि आप इवन इफ ही लगाएं, हावेवर लगाएं। अगर एक जैसे सूट कहीं करते हैं तो आप एक अलग अलग कंजंक्शन से सेम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको पूरे स्क्रीन पर ला रहा हूं। अगर आपको इन रूल्स को लिखना है तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं, ये आप देख लीजिए। और स्टूडेंट्स इसी तरह से आप हमारे इन लेक्चर्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे चैनल को, ताकि आप अगले लेक्चर्स से अपडेट रहें। जैसे ही लेक्चर नया निकले, इशू हो, तुरंत आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके और आपकी प्रॉब्लम्स का निदान समय से किया जा सके। प्लीज़ वंस अगेन
सब्सक्राइब दिस चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. थैंक्स.